हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अतहर हाशमी और आज हम शुरू करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने बिटवाइज ऑपरेटर का डिटेल में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे। मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया है, जिस प्रकार से हम पढ़ाई कर रहे हैं उस प्रकार से मैंने इस सीक्वेंस को बना लिया है। हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के बाद ये जो आज का टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर, इसके साथ ही ऑपरेटर सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो तीन आर्ग्यूमेंट्स पे बनता है। और इस बात के पहले आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तीन प्रकार के जो कैटेगरी हैं ऑपरेटर्स की, इनमें एक यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा टर्नरी ऑपरेटर होता है। इन ऑपरेटर्स में हम जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो यूनरी और बाइनरी हैं। और जो टर्नरी ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में वो केवल एक ही है, जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। जब हम किसी वैल्यू को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो प्लस साइन का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार जब किसी हम वैल्यू को नेगेटिव करना चाहते हैं तो उस वैल्यू के पहले इस प्रकार से हम, जैसे कोई वैल्यू है 50, उसके पहले यदि हम माइनस लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो माइनस 50 है ये सब्सट्रैक्शन या किसी संख्या को दो, एक संख्या को दूसरे में से घटाने के लिए जिस प्रकार से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में करते हैं ये उससे भिन्न है। ये यूनरी ऑपरेटर है इसलिए इसे यूनरी माइनस कहा जाता है। यह किसी एक ही ऑपरेंड में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी मतलब एक, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। और उसी प्रकार आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे दो दो ऑपरेटर है, तो एक्चुअली में ये दो ऑपरेटर जो है वो काम एक ही करता है। आपने यदि इसे ठीक से समझा है पिछले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लेक्चर में, तो ये एक्चुअली में किसी ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ाने का काम करता है और ये जो है ये घटाने का काम करता है। तो ये सभी के सभी जो हैं ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। ये यूनरी प्लस है। नॉर्मली हमको किसी संख्या को पॉजिटिव करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि संख्या के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यदि आप लगा देते हैं तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यूनरी प्लस भी है और यूनरी माइनस भी है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। दूसरा जो हमने ऑपरेटर पढ़ा उसमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर जो है, तथा इवन ये जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सभी बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। बाइनरी इसलिए क्योंकि इन्हें हम दो अलग अलग ऑपरेंड्स में अप्लाई करते हैं, किसी एक ही ऑपरेंड में इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे आप ए इक्वल टू बी चेक करते हैं या ए नॉट इक्वल टू बी चेक करते हैं या ए से बी को प्लस करते हैं, इस प्रकार से आप बाइनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर जो है इस कैटेगरी में आता है। इसमें केवल एक ही ऑपरेटर है जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन यदि ट्रू होती है तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन नंबर 2 एग्जीक्यूट होता है। ये किस प्रकार से काम करता है इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास में दो वेरिएबल हैं ए और बी, जिसकी वैल्यू 5 और 6 हैं। हमने एक रिजल्ट इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन बनाया, पूरा स्टेटमेंट बनाया है जिसमें हमने लिखा है इफ़, मतलब ये जो ए ग्रेटर देन बी है इसे कंपाइलर पढ़ेगा यदि ए बड़ा है बी से। तो आप यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हैं कि ये पहली कंडीशन हो गई और यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन। तो कंडीशन यदि ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 मतलब ए जो है वो रिटर्न हो जाएगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो बी रिटर्न हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, इस वैल्यू पे आधारित यदि आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से बी रिटर्न हो रहा है क्योंकि ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6। तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 बड़ा है 6 से, ये गलत बात है। तो ये बी की वैल्यू जो है वो रिज़ल्ट के पास चले जाएगी।
तो मतलब रिजल्ट में जो स्टोर होगी वैल्यू वो होगी 6। तो ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है जो कि तीन आर्गुमेंट्स नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे कार्य करता है। आर्गुमेंट नंबर 1 होता है कंडीशन, उसके बाद होता है एक्सप्रेशन और तीसरा होता है एक्सप्रेशन नंबर 2। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस एक्सप्रेशन 1 तथा एक्सप्रेशन 2 के स्थान पर हम किसी एक वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल से बनाए गए एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं हम आने वाले उदाहरण में इसे समझेंगे। तो प्रोग्राम की बात यदि करें कंडीशनल ऑपरेटर का, तो कंडीशनल ऑपरेटर का ये एक प्रोग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए हैं, लार्जेस्ट, ए और बी। ए को मैंने वैल्यू दी हुई है 50 और बी की वैल्यू हमने दी हुई है 10। तो हम क्या कर रहे हैं कि लार्जेस्ट एक वेरिएबल है जिसके इक्वल टू में हमने लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है, और जाहिर सी बात है ये ट्रू है क्योंकि ए का मान है 50, तो ये क्या करेगा, ए को रिटर्न कर देगा और ए जो है ये लार्जेस्ट के पास चले जाएगी। ये बी को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ए की वैल्यू चली गई लार्जेस्ट के पास और हम लार्जेस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट करेगा 50। आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट नंबर इज़ 50। इसी प्रकार आप यदि वैल्यूज़ को बदल दें, यहाँ पे 10 कर दें ए का मान और बी का मान कर दें 20, तो अब बी बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर में बी चला जाएगा क्योंकि अब ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई, तो बी की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 20। आप इसका भी आउटपुट देख सकते हैं कंपाइल करने के पश्चात, ये हो गया 20। अब आपको दूसरा उदाहरण दिखाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हमने वेरिएबल की जगह एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया है कि हम यहाँ पे एक चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लार्जेस्ट पहला, ए बी, और चौथा वेरिएबल हमने लिया है सी इज इक्वल टू 30। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू तीन नंबर में से फाइंड कर रहे हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ ध्यान देंगे, लार्जेस्ट इक्वल टू हमने पहली चीज़ लिखी है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो जब ये ए इज़ ग्रेटर देन बी, आप वैल्यू देखें, ए का मान है 10 और बी का मान है 20, ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद में एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा है और कॉलन के बाद में भी पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये पहला एक्सप्रेशन, और जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरा एक्सप्रेशन। तो जाहिर सी बात है ए इज़ ग्रेटर देन बी हम चेक कर रहे हैं, तो 10 इज़ ग्रेटर देन बी जो है वो फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, ये सीधा जंप मारेगा कॉलन के बाद वाले पोर्शन पे, और यहाँ पे चेक करेगा बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो बी जो है वो 20 है और सी जो है वो 30 है। तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए क्या करेगा, 20 को नहीं पढ़ेगा, ये किसको पढ़ेगा, सीधा सीधा 30 को। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से जो फाइनल कैलकुलेशन होगा उससे आपको नंबर मिलेगा 30, और 30 जो है वो लार्जेस्ट के पास में जाके स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से इस स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होने वाला है, 30। आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज़ 30। यदि आप वैल्यूज़ को बदल दें, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं 30, 20 को 20 ही रहने देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 10, तब क्या होगा, तब ये रिटर्न किसको करेगा, देखिए ए ग्रेटर देन बी है ये ट्रू हो जाएगा, और ए इज़ ग्रेटर देन सी है तो ये किसको रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि 30 बड़ा है 20 से। तो ये अंदर आने के बाद में फिर से चेक कर रहा है ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो 30 बड़ा है 10 से चेक करने के बाद में ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू। तो ये किसे रिटर्न कर रहा है, 10 को, तो लार्जेस्ट में क्या स्टोर होगा, 10। ओके, तो आपको समझ में आई बात, तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, 30। भले बड़ा नंबर 30 नहीं है, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से किसको रिटर्न कर रहा है ये हमको समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आप वैल्यूज़ को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा है कि हम सबसे बड़ा नंबर को रिटर्न कराने के लिए इस स्टेटमेंट को लिखे हैं, तो ये इस प्रकार से 30 देता है जो हमने पहले समझा था। ओके, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर में आपने ये समझा कि आप एक वेरिएबल का महत्व भी यहाँ पे समझे कि आप चाहे तो एक वेरिएबल भी लिख सकते हैं और चाहे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन लिखने के बाद यदि क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट रिटर्न होता है, यदि वो ट्रू है, और यदि फॉल्स है तो वो दूसरे स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे आज का, सॉरी दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, स्पेशल ऑपरेटर। तो सी में जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं वो तीन हैं, जिनमें से मैं यहाँ पे लिस्ट आपको बना के दिखा देता हूँ कि इन तीन ऑपरेटर्स में से एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, दूसरा आप पढ़ेंगे
एम परसेंट ऑपरेटर, इसे प्रोनाउंस करने के लिए एम परसेंट कहा जाता है। और तीसरा ऑपरेटर हम पढ़ेंगे एस्टरिस्क ऑपरेटर, जिसे हम एस्टरिस्क कहते हैं। इसे हम एम परसेंट को हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को पढ़ने का कार्य करता है। और एस्टरिस्क को हम वैल्यू एट या वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। इस वैल्यू ऑफ ऑपरेटर को जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब हम इसे कवर करेंगे। अभी आप इस ऑपरेटर को छोड़ दीजिए, ये ऑपरेटर आपने स्कैनएफ में इस्तेमाल किया है, इसे भी हम पॉइंटर में इस्तेमाल करेंगे, तब हम इन दोनों ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं सी लैंग्वेज के, क्योंकि इनका एक खास मकसद होता है। और ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, साइज़ ऑफ ए कीवर्ड है और ब्रैकेट में आप जो भी लिखेंगे इसे ये वेरिएबल समझकर इसकी जो भी साइज़ है ये उसको रिटर्न करता है। यदि आप यहाँ पे इंट लिखेंगे तो इंट वेरिएबल का साइज़ को रिटर्न करेगा, और यदि आप यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू दे देंगे तो ये उस वैल्यू का जो साइज़ मेमोरी में ऑक्यूपाई हो रहा है उस साइज़ को रिटर्न करेगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, ए को मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ए मेमोरी में कितना साइज़ ऑक्यूपाई कर रहा है ये इस चीज़ को प्रिंट करेगा परसेंट डी, मतलब इंटीजर में लिखने का। तो ये एक्चुअली में 16 बिट कंपाइलर है, और 16 बिट कंपाइलर में जो इंटीजर का मेमोरी स्पेस होता है वो 4 बाइट होता है। और जो 8 बाइट कंपाइलर होते हैं, जैसे कि हमने एमएस डॉस टर्बो सी का देखा हुआ है, इसके जो कंपाइलर्स होते हैं ये मेमोरी में केवल 2 बाइट की जगह लेते हैं। तो हम उस प्रोग्राम को इसमें भी बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज़ ऑफ, या यहाँ पे साइज़ ऑफ लिख के सर्च करते हैं मैंने, क्योंकि ओके यहाँ पे हम एक हेडर फाइल लेते हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे इंट ए और प्रिंट करेंगे डायरेक्टली साइज ऑफ ए इज परसेंट डी कॉमा साइज ऑफ ब्रैकेट में ए वेरिएबल का नाम है, हम यहाँ पे ए लिख देंगे और इतना ही हमें करना है, कंपाइल और ये रन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है साइज ऑफ इज 2। और यदि आप इसे किस में करेंगे, देव सी प्लस प्लस में करेंगे, तो आपका आउटपुट जो है 4 मिलने वाला है, क्योंकि ये 16 बिट कंपाइलर को सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम भले आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंपाइलर है ये 16 बिट सपोर्ट है, इसलिए इसमें मेमोरी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे यदि आप कोई वैल्यू देंगे 7.6, तो ये 7.6 मेमोरी में कितना जगह ले रहा है उसको लिखेगा। तो 7.6 एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसने फ्लोट वैल्यू को बताया कि यहाँ पे 8 बाइट का इस्तेमाल हो रहा है। यदि आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर पास कर देंगे तो ये उस कैरेक्टर की वैल्यू को भी प्रिंट करेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप उस कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर में लिखेंगे, क्योंकि जब भी कैरेक्टर लिखा जाता है ये सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो कैरेक्टर भी यहाँ पे 4 बाइट की जगह ले रहा है। तो ये था आज का लेक्चर में कंडीशनल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ, जिसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कि यदि ए और बी की वैल्यू 5-5 बराबर हो तो इस रिज़ल्ट में वैल्यू 5 ही आएगी, ये जवाब का आधा हिस्सा है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है कि इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू जाएगी या बी की वैल्यू जाएगी, हमें जवाब का इंतज़ार है, आप ज़रूर जवाब दीजिए। और इस वीडियो को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है सभी हिंदी मीडियम के छात्रों तक पहुँचे, और यदि आपको कोई भी सुझाव देना हो तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है softtech@cg@gmail.com, softtech@cg@gmail.com। आप हमें अपने अमूल्य जो भी सुझाव हैं उसमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ लेक्चर्स ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।